Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. आज हम बनाएंगे जी ज़बरदस्ती बटर स्कॉच आइसक्रीम विथ बटर स्कॉच सॉस एंड क्रंच. तो चलें जी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले 500 ml क्रीम ले ली है. बटर लिया है मैंने 4 tablespoons फॉर सॉस एंड 2 tablespoons फॉर क्रंच. इसी तरीके से मैंने शुगर ली है 1 cup फॉर सॉस, 1/2 cup फॉर क्रंच. तो चले बस यही इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे जो कि बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम बनाते हैं. मैंने एक पैन ले लिया है. सबसे पहले हम सॉस बनाएंगे ताकि हम वो अच्छे से ठंडा कर लें. उसमें मैंने जी शुगर ऐड कर दी है 1 cup. सॉस में हम 1 cup शुगर ऐड करेंगे और इसको भी हम कैरेमलाइज करेंगे. बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने शुगर को कैरेमलाइज यहाँ पर कर लिया है. और बिल्कुल आप लोगों ने भी बिल्कुल लो फ्लेम पर काम करना है, तेज़ आंच नहीं रखनी. 4 tablespoons मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे अभी हम शुगर का जो कैरेमलाइज हमने कर लिया है उसको और बटर को हम मिक्स कर रहे हैं. और इसी तरीके से आप लोगों ने भी आँच को बिल्कुल स्लो रखना है. अभी मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ 1/2 cup. अच्छा, मैंने यहाँ पर टेट्रापैक क्रीम यूज़ की. आप लोग किसी भी ब्रांड की टेट्रापैक क्रीम यूज़ कर सकते हैं. साथ ही जी मैंने इसमें 1 pinch सॉल्ट ऐड कर दिया है और इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है. बस इतना सा काम था जी, सॉस तैयार है. अभी यहाँ पर जी मैंने 500 ml क्रीम ले ली है. ये भी डेयरिंग क्रीम है. नॉन डेयरिंग क्रीम मैंने इसमें यूज़ नहीं की है. डेयरी क्रीम का फ्लेवर ज़्यादा रिच होता है और आइसक्रीम में मुझे डेयरी क्रीम ही पसंद है. तो आप लोगों के ऊपर है, अगर आप लोग चाहें तो इसको विप क्रीम की साथ भी बना सकते हैं. अच्छा जी, क्रीम हमारी बीट हो गई थी, तकरीबन 5 मिनट लगे थे. यहाँ पर जो मैंने सॉस बनाया था बटर स्कॉच सॉस, वो टोटल जब बिल्कुल कूल डाउन हो गया था तब मैंने इसमें 1 cup ऐड कर दिया है. अभी मैंने थोड़ा सा इसको टेस्ट किया और मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा बटरी फ्लेवर और होना चाहिए, तो मैंने इसमें 1/2 cup बटर स्कॉच सॉस और ऐड कर दिया. अभी हम इसको अगेन बीट करेंगे, क्योंकि चीनी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बटर स्कॉच सॉस में ऑलरेडी शुगर ऐड थी. तो मैंने इसमें बस ये 2 चीज़ें ऐड की हैं और हमारी क्रीम तैयार है. मैं इसको रख रही हूँ एक एयर टाइट कंटेनर में और इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में ताकि ये अच्छे से जम जाए. और आप लोग चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं. और इसको आप लोगों ने एक एयर टाइट कंटेनर में ही रखना है. और जी अभी हम आइसक्रीम को रख रहे हैं, अब हम साथ ही बनाते हैं क्रंच. क्रंच बनाने के लिए जी मैंने 1/2 cup शुगर लिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और 2 tablespoons मैंने बटर ले लिया है. एक पैन ले लिया है, उसको बिल्कुल उसी तरीके से हमने लो फ्लेम पर शुगर को कैरेमलाइज करना है. और क्रंच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/2 cup शुगर यूज़ की थी. इसी तरह से हम बिल्कुल लो फ्लेम पर शुगर को कैरेमलाइज करते जाएंगे और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है. अगर हम ज़रा सी भी आँच तेज़ कर देंगे तो चीनी में जलने की स्मेल आ जाएगी. शुगर हो गई अच्छे से कैरेमलाइज. अभी हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे और ये काम आप लोगों ने बहुत ध्यान से करना है. और साथ ही जी मैंने इसमें 2 tablespoons ऑफ बटर ऐड कर दिया है. बिल्कुल लो फ्लेम पे हम शुगर जो कैरेमल है उसको और बटर को मिक्स कर रहे हैं. इसमें मैं यहाँ पर वॉलनट्स और पिस्टेचियोज़ ऐड कर रही हूँ. आप लोग चाहें तो इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, काजू वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं. अच्छा जी, अभी मैंने एक बटर पेपर ले लिया है, उसके ऊपर मैं ये मिक्सचर ऐड कर रही हूँ. बहुत ध्यान से ये काम आप लोगों ने करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और इसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए. सर्दियों का मौसम है, तकरीबन 5 मिनट में ये शुगर का जो कैरमल है ये अच्छे से जम गया था. और यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि ये देखें कितना ज़बरदस्त सी जो हमारी शुगर है वो जम गई है. इसके ऊपर मैंने रखा है एक और बटर पेपर और इसको अभी हम तोड़ना शुरू करेंगे. और इसको एक बेलन की हेल्प से मैं अच्छे से क्रंच कर रही हूँ. और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है. क्रंच भी हमारा ज़बरदस्त सा तैयार है. और यहाँ पर जी क्रंच भी तैयार है और सॉस भी तैयार है. और अभी हम इसकी सर्विंग करेंगे. सॉस को बिल्कुल आप लोगों ने ठंडा करके यूज़ करना है. बिल्कुल भी गरम गरम सॉस आप लोगों ने क्रीम के अंदर ऐड नहीं करना. आइसक्रीम यहाँ पर मेरी 8 घंटों के बाद जम गई थी. सॉस भी यहाँ पर तैयार है और क्रंच भी तैयार है. अभी हम इसकी सर्विंग करेंगे. इतनी ज़बरदस्त आइसक्रीम बनी थी फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या बताऊँ. और अगर आप लोग चाहें तो इसमें बटर स्कॉच सॉस मार्केट से जो बना बनाया मिलता है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो घर का सॉस है आप उसको बनाकर ट्राई करें फ्रेंड्स. बिलीव मी, आप मार्केट के बटर स्कॉच सॉस को भूल जाएंगे.
तो चलें जी, यहाँ पर मैंने एक स्कूप निकाल दिया है बटर स्कॉच आइसक्रीम का, और इसी तरीके से मैं एक और स्कूप निकालूंगी। और इतने मज़े की आइसक्रीम बनी थी फ्रेंड्स, आपको बहुत पसंद आई थी, आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बिल्कुल टू गुड। तो चलें जी, यहाँ पर मैं एक और स्कूप निकाल लेती हूँ आइसक्रीम का, और इसमें अभी हम जो हमारे पास ये जो बटर स्कॉच सॉस और जो क्रंच मैंने बनाया है, इसके साथ हम इसकी सर्विंग करेंगे। क्योंकि बटर स्कॉच आइसक्रीम है तो इसकी सर्विंग भी बटर स्कॉच सॉस के साथ ही बनती है। यहाँ पर देखें जी, इतना ज़बरदस्त बटर स्कॉच सॉस मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और साथ ही मैं इसमें यहाँ पर जो मैंने क्रंच बनाया है वो ऐड कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि कितना ज़बरदस्त क्रंच बना है, एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग है। तो जी, यहाँ पर हमारी आइसक्रीम की रेसिपी होती है ख़त्म, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आप लोग इस आइसक्रीम को बना सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसमें शुगर या कंडेंस मिल्क और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया क्योंकि बटर स्कॉच सॉस में ऑलरेडी शुगर ऐड थी। तो जी, आज की रेसिपी होती है ख़त्म। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।